नमस्कार दोस्तों, पोल्सकाई में आपका स्वागत है। संतरा स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके सेवन से आप अपनी स्किन पर निखार पा सकते हैं, साथ ही ये शरीर की कई समस्याओं को दूर कर सकता है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या खाली पेट संतरा सेवन कर सकते हैं? क्या खाली पेट संतरे के सेवन से शरीर को फायदा होता है? क्या खाली पेट संतरे के सेवन करने से शरीर को नुकसान नहीं होता? अगर आपके मन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि खाली पेट संतरा खाने से क्या होता है। सबसे पहले सवाल उठता है, क्या खाली पेट खा सकते हैं संतरा? डाइटिशियंस का कहना है कि खाली पेट संतरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कारण संतरे का अम्लीय गुण यानी कि सिट्रिक एसिड नेचर है। जी हाँ, संतरा ही नहीं बल्कि किसी भी सिट्रिक फूड का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए। अगर आप खट्टे फलों का खाली पेट सेवन करते हैं तो इससे पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। डाइटिशियंस का ये भी कहना है कि अगर आप खाली पेट संतरे का सेवन करते हैं तो इससे गैस्ट्राइटिस का खतरा बढ़ सकता है या आपके पेट की लाइंस को प्रभावित करता है। ऐसे में आपको मतली, उल्टी जैसी परेशानी का अनुभव हो सकता है। वहीं अगर आप पहले से गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स से पीड़ित हैं तो खाली पेट संतरे का सेवन बिल्कुल ना करें, इससे आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं खाली पेट संतरा खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। बढ़ा सकता है ब्लड शुगर। अगर आप खाली पेट संतरे का जूस या फिर संतरा खाते हैं तो आज से आदत बदल लें। खाली पेट संतरा या जूस पीने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। इस तरह की परेशानी बढ़ने के लिए सुबह के वक्त संतरे का सेवन ना करें। पेट की समस्या, खाली पेट विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। संतरे में काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर जो पेट में दर्द और डायरिया जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। ऐसे में सुबह खाली पेट संतरा बिल्कुल ना खाएं। हड्डियों को करता है नुकसान। संतरे में खट्टापन होता है जिससे हड्डियों में समस्या हो सकती है। ये जोड़ों में सूजन की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन सी की अधिकता से कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे आपको हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है। ज्यादा संतरा खाने से भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।